हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ इंटर स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने लास्ट वीडियोस में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी ग्रिड की, और अब हम और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रिड में वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम CSS के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने HTML के बारे में देखा था। तो अभी तक आपने हमारे पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। तो जो भी हम अपनी कोडिंग करेंगे वो न्यूटन स्कूल की IDE पर करने वाले हैं। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहां प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहां पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइनअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में, और फिर आपको यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में आना है और यहाँ पे आके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो हम मैंने जैसे CSS ग्रिड का हमने कर रखा है तो हम एक और बना लेते हैं, और इसको हम दे देते हैं CSS ग्रिड, और इसमें हम कर देते हैं प्रॉपर्टीज़। फिर हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट दे देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसको नेम दे सकते हैं यहाँ पे। और फिर हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो अब हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी ओपन हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे कुछ अपनी जो हमारी HTML की बेसिक टैग्स होती हैं, जो कि हम कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें वो टाइप करने होती हैं, तो हम यहाँ पर वो ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ देना होगा एक हैड टैग, और हम यहाँ पे एक टाइटल बना देते हैं। टाइटल में हम दे देते हैं यहाँ पे CSS ग्रिड प्रॉपर्टी ग्रिड, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी दे देते हैं। फिर हम यहाँ पे एक बॉडी टैग क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी हम अपना कंटेंट यहाँ पे मैं आपको जिसके हेल्प से मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो हम सारी जो एलिमेंट्स होंगे वो हम बॉडी टैग के अंदर देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक हम अपना एक कंटेनर बना लेते हैं और इसका हम नेम दे देते हैं कंटेनर। और इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम कुछ और एलिमेंट्स हम बनाएंगे, और इनको हम यहाँ पे डिव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास आइटम, और उसके बाद में हम यहाँ इसको आईडी भी दे देते हैं item1। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम ऐसे ही हम इसके सिमिलर 4-5 जो हमारे आइटम्स होंगे वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इनकी रो जो हमारी आईडी दी है हमने वो इसका चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सेम नेम से हम एक से ज़्यादा जो हमारी आईडी होती हैं वो हम नहीं दे सकते। मतलब जो हम आईडी को नेम देते हैं वो हमारा यूनिक होना चाहिए, वो किसी और एलिमेंट को हम सेम आईडी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया, हमने कुछ यहाँ पे ये एलिमेंट्स बना लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमने अपना कंटेनर क्रिएट किया है उसको हमें पहले ग्रिड बनाना होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम डिस्प्ले क्या कर देंगे, ग्रिड। जब हम इसमें डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे तो जो हमारे आइटम्स होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ग्रिड आइटम्स। तो अब हम आते हैं अपने जो हमारा आइटम्स वाला कॉलम है इसमें हम आते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, और इससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें रो और अपने जो कॉलम डिफाइन करने होते हैं वो हमें यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। सपोज़ मैं यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, और उसमें हम जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे क्या है हमारे, या तो हम रेशियो में भी अपनी जो ब्रिथ होती है वो हम दे सकते हैं, या हम अपने अकॉर्डिंग पिक्सल में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, या हम इसको क्या है, हम ऑटो भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं 1FR और 2FR, और लास्ट में भी हम कर देते हैं 1FR। तो ये किस में डिवाइड हो जाएंगे, 1:2:1 में हमारे कॉलम्स हैं वो डिफाइन हो जाएंगे यहाँ पे। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है जो हमारे आइटम्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे,
और आइटम्स में हम क्या कर देते हैं, इसके में हाइट और ब्रेथ सपोज ऐड कर देते हैं, या हम क्या कर देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड कर देते हैं, या हम यहाँ पे बॉर्डर पहले ऐड कर लेते हैं, बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड। तो हमने यहाँ पे अभी ये इसलिए मतलब अलग अलग आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे सपोज मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 5 पिक्सल का मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। तो हमारे जो आइटम्स थे वो हमारे अलग अलग हो गए हैं, और इसके अभी हमने कोई भी हाइट और ब्रेथ सेट नहीं की है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स भी यहाँ पे बना लेते हैं, ग्रिड रो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसमें हम अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं 200 पिक्सल 200 पिक्सल, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं एक को हम दे देते हैं 100 पिक्सल। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो 3 कॉलम बनाए और हमने 2 रो बनाई हैं, और उसमें हमने जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमने 1:2:1 में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। और फिर हमने क्या किया, हमने 2 रो क्रिएट की, और रो को क्रिएट करने के लिए करते हैं हम ग्रिड टेम्पलेट रो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और इसमें हमने अपने अकॉर्डिंग जो हाइट और इसकी जो ब्रेथ थी वो हमने यहाँ पे सेट कर दी है। फिर अब क्या करते हैं हम, जैसे अभी आपको क्या करना है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था हम क्या है जो हमारे कॉलम्स थे उन्हें स्पैन कर रहे थे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमने जैसे अपने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी मैं आपको यहाँ पे अगर कोड दिखाता हूँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो हमारा ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके, और अपने जो हमारे कॉलम्स और रो थे उनको हम क्या कर रहे थे, स्पैन कर पा रहे थे जैसे हम अपने टेबल में करते थे। लेकिन उसके हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसका हम आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज़ मुझे क्या करना है, मैं जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है मैं चाहता हूँ जो ये हमारे जो 2 कॉलम है ये क्या है आपस में ये मर्ज हो जाए, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है इसको अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, स्पैन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आइटम 1 को सिलेक्ट कर लूँगा, आइटम 1, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा ग्रिड रो लिखूँगा मैं, और ग्रिड और रो, उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, और अभी मुझे क्या है कॉलम करना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड कॉलम लिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है उसको हमें क्या है इसमें स्पैन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 कॉलम ले देता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे हम कर देते हैं 3, और अब क्या हो जाएगा हमारा देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है इसको हम देते हैं ग्रिड कॉलम, और सॉरी यहाँ पे आईडी है तो मुझे क्या करना होगा हैश लगाना होगा यहाँ पे। तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है, सॉरी जो हमारी फर्स्ट वाली रो है और जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है, इसमें क्या हुआ हमारे जो यहाँ पे लाइन थी जो हमारी क्या होती है, हमारी जो फर्स्ट कॉलम लाइन होती है या सेकंड कॉलम लाइन होती है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ग्रिड कॉलम का यहाँ पे यूज़ किया है, और जो हमारी फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या है हमारी फर्स्ट वाली लाइन है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 से, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, और यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 4, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इसके लास्ट वाले कॉलम थे मतलब जो हमारी सेकंड वाली कॉलम लाइन कौन सी होती है, हमारी ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, तो यहाँ सेकंड लाइन से ये स्टार्ट हुआ और फोर्थ लाइन तक हमने क्या कर दिया इसमें स्पैन कर दिया है। तो ये होती है हमारी ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी, और ऐसे ही हम अपने जो ग्रिड रो होती है हम उसको भी यूज़ कर पाते हैं। इसी में हमारे पास एक और मेथड होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें अगर मुझे 3 कॉलम स्पैन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पैन, और मैं कर दूँगा यहाँ 3, तो हमारे जो 3 कॉलम्स थे वो यहाँ पे स्पैन हो गए। अब मैं यहाँ पे अगर 2 कॉलम करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे 2 कॉलम स्पैन हो गए। सेम यही प्रॉपर्टी हम अपने जो रो होती है हम उसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो उसमें हमें लिखना होता है ग्रिड रो, और मैं यहाँ पे अगर सपोज क्या है जो फर्स्ट वाली रो है और इसमें हम करना चाहते हैं तो क्या कर देते हैं हम इसमें फर्स्ट रो, और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ 3, तो क्या हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पे ये इसने मतलब ये स्पैन हो गया आपस में। और सेम ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्पैन लिखा है हम यहाँ भी स्पैन लिख के, और ऐसे भी हम कर सकते हैं स्पैन 2। स्पैन टू हम तब लिखेंगे, मतलब स्पैन टू का मतलब क्या हुआ, हमारे 2 जो रो हैं या 2 रो जो हमारे कॉलम है वो स्पैन होंगे। लेकिन जब हम इसमें जरा नंबर्स लिखते हैं तब हमारे क्या होते हैं, जो लाइंस होती हैं हमारी कॉलम लाइन होती है या रो लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ये स्पैन होते हैं।
तो यहाँ पे हमने करा जैसे फर्स्ट और टू, तो हमारी फर्स्ट वाली लाइन ये हो गई, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये एंड हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोर, मैं यहाँ पे अगर फोर कर दूंगा तो क्या होगा, हमारे जो ये वाला कॉलम था ये हमारी सेकंड लाइन हो गई, फिर यहाँ पे हमारी ये थर्ड लाइन आती है और ये होती है हमारी फोर्थ लाइन। तो ये होते हैं हमारी ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास ऐसे ही इसकी एक और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, हमारी ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया में क्या होता है, हम उसको अलग अलग हमें ये डिफाइन नहीं करने होते हैं, कॉलम और रो हम एक ही बार में उसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैं जो मुझे यही करना है, तो मैं इसको पहले क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ इन दोनों को। और अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर देते हैं ग्रिड एरिया। तो मैं ग्रिड एरिया रखूँगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हमें एक जो हमारे कॉलम है वो हमें देना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वन फर्स्ट, और उसके बाद में हम चाहते हैं हमारा जो कॉलम है टू कर देते हैं हम, सेकंड वाला कॉलम हो गया हमारी जो सेकंड, और यहाँ पे हम कर देते हैं थ्री, और यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज फोर। तो अब इसका क्या मतलब है, जो हमारा फर्स्ट वाली जो है ये इसके लिए ये किसको डिफाइन कर रही है, ये हमारी रो को डिफाइन कर रही है, मतलब रो लाइन। तो हमारी ये हो गई हमारी फर्स्ट रो लाइन, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो लाइन। फिर हमारा जो सेकंड है ये हमारे क्या है, ये कॉलम को डिफाइन कर रहा है, कॉलम लाइन। तो हमारी कॉलम लाइन कौन सी है, ये हमारी फर्स्ट कॉलम लाइन हो गई और ये हो गई हमारी सेकंड कॉलम लाइन। तो ये हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गई हमारी फर्स्ट रो लाइन, और ये हो गई हमारी सेकंड कॉलम लाइन। फिर उसके बाद में हमें कितने जो कॉलम और रो हमें स्पैन करनी है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, थ्री। थ्री का मतलब हमारे जो, जैसे हमने अभी अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टी दी थी, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम ग्रिड रो, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू, सेम यही हम करके देखते हैं अगर, तो इसको हम कर देते हैं। तो जैसे हमने अभी इससे पहले किया था वही सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को हम अगर ग्रिड एरिया की हेल्प से कर रहे हैं तो हम इसको बस एक ही लाइन में हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इसमें अब क्या हुआ, हमने जो हमारे फर्स्ट रो लाइन हो गई, हमारी फर्स्ट रो लाइन है, फिर ये हमारा सेकेंड कॉलम लाइन हो गई, और उसके बाद में हमें जो रो लाइन हमने यहाँ पे स्पैन करनी है, तो ये हमारी जो सेकंड वाली रो लाइन है वो कौन सी होगी, वन, और ये टू वाली, ये हो गई। अगर मैं इसको कर देता हूँ थ्री, तो हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है ये भी स्पैन हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे ग्रिड रो प्रॉपर्टी, ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी और हमारी जो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी। इसके हेल्प से हम अपने जो भी अपने लेआउट होता है उसको हम बहुत ही ईजीली हम क्रिएट कर पाते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मतलब फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप अपना जो लेआउट है वो क्रिएट करना चाहते हैं या ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना चाहते हैं। सारे ही मेथड मतलब क्या है, कोई किसी भी मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो क्या है, आप फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको अगर ये जो हमारे आइटम्स हैं, अगर हमें क्या है ना सेंटर में अलाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम अपने जो फ्लैक्स बॉक्स होता था उसकी हम हेल्प से कर पाते थे। तो अलाइन आइटम अगर हम यहाँ पे कर देते हैं अलाइन कंटेंट, और मैं कर देता हूँ यहाँ सेंटर, तो क्या है ये हमारे वर्टिकली ये सेंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं आइटम, तो ये हमारे वर्टिकली ये सेंटर हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारे पास जो और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे स्पेस इवनली यहाँ पे कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी क्या कहते हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट अगर हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे हम करना चाहते हैं सेंटर, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे हम स्पेस इवन स्पेस अराउंड करना चाहते हैं। जब हम इसमें स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तब क्या होता है, हमारे जो स्पेस होते हैं वो इक्वली हमारे जो भी हमारे आइटम्स होते हैं उनमें क्या है, इक्वली ये डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास इसमें स्पेस इवनली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप खुद से भी ट्राई करके देखें, और इसमें आप और भी अपने अकॉर्डिंग क्या है लेआउट क्रिएट करके देखें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक जो हमारी वेबसाइट थी उसका हमने यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट करके देखा था। तो अब इसमें क्या है, हम जो अभी बॉर्डर का यूज़ यहाँ पे हमने किया है ये बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला है ये हमारा नेव बार हो गया, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कंटेंट दिया है, फिर यहाँ पे, तो ये क्या है, हम इसको हम अपने अकॉर्डिंगली जो हमारे ग्रिड प्रॉपर्टी होती हैं उनका यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हम कर पाते हैं। सो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको आज एक्सप्लेन की, जो हमारी ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम ग्रिड एरिया, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।